अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त दुनिया में तकरीबन 8000 से ज़्यादा मकामी और बैनुल-अक़वामी खेल खेले जाते हैं, लेकिन फ़ुटबॉल एक ऐसा खेल है जो कि पूरी दुनिया में मकबूल है और दुनिया की निसफ आबादी इस खेल को फॉलो करती है। फुटबॉल वर्ल्ड कप को फीफा वर्ल्ड कप भी कहा जाता है और 2018 में फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल को तकरीबन 3.5 अरब लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए देखा था। इस साल 2022 में ये टूर्नामेंट इस्लामी मुल्क कतर में खेला जा रहा है और इस वर्ल्ड कप में दुनिया भर से 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस तरह ऑर्गेनाइज कराने वाले मुल्क को इससे अच्छी खासी आमदनी होती है और टूरिस्ट की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए अपने मुल्क और तालीमात में बदलाव करना कोई ऐब नहीं समझा जाता। इस वक्त अगर अरब की मिसाल लें तो गलत ना होगी कि किस तरह अरब में वेस्टर्न कल्चर को अपनाया जा रहा है, लेकिन कतर की हुकूमत यहाँ काबिले तारीफ़ है जिसने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम सिर्फ 30 दिनों के लिए अपने मुल्क के कल्चर और इस्लामी तालीमात के अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकते और ना ही कोई ऐसी हरकत बर्दाश्त करेंगे जो इस्लाम और कानून के ख़िलाफ़ हो। और कतर में फीफा वर्ल्ड कप के मेगा इवेंट का इफ्तिताह स्पेशल पर्सन गानिम मुफ्ता की तलावत से हुआ, जिसने पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक का दिल जीत लिया। गानिम मुफ्ता कतर के एक कारी हैं और उन्होंने सूरह अल-हुजरात की खूबसूरत आवाज़ में तलावत की। अमरीकी अदाकार मॉर्गन फ्रीमैन जो के होस्ट थे, उन पर तो जैसे सहर तारी हो गया और उन्होंने साथ बैठकर तलावत सुनी। दोस्तों, इधर कतर के लिए एक लाइक तो बनता है। कतर में वैसे तो कुछ मखसूस बार्स पर अल्कोहल दस्तियाब होती है, लेकिन इसे पब्लिक के अंदर पीना अलाउ नहीं। इस वर्ल्ड कप में भी कतर की इंतज़ामिया ने इस बात की तस्दीक की है कि इस किस्म के मशरूबात स्टेडियम के अंदर मुंतखब जगहों पर ही फ्राहम किए जाएंगे। इसके अलावा लाइसेंस याफ्ता होटल्स और बार्स में भी अल्कोहल मौजूद होगी। दोस्तों, हैरान कन बात यह है कि इस वर्ल्ड कप के इंतज़ाम पर $220 बिलियन लगाए गए हैं। इस तरह ये इवेंट दुनिया में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला सबसे महंगा तरीन इवेंट है, क्योंकि इससे पहले 2018 में मेज़बान रूस ने इसकी तैयारियों पर $11.6 अरब खर्च किए, जबकि 2014 में ब्राज़ील ने इस पर $15 अरब खर्च किए थे। लेकिन कतर में स्टेडियम्स के अखराजात एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन $10 अरब के करीब हैं, जबकि बाकी $210 अरब जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जा रहे हैं, जो कि डायरेक्टली कतर के 2030 के वियन का हिस्सा हैं, ताकि कतर को जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया जा सके और आला मेयार ज़िंदगी फ्राहम किया जा सके। इस मकसद के तहत वर्ल्ड कप में आने वाले मेहमानों के लिए होटल्स, रेस्टोरेंट की तमीर, जदीद ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग सेंटर्स और दीगर तफरीही मकामात शामिल हैं। क्योंकि कोई भी मुल्क जो कि वर्ल्ड कप की मेज़बानी करना चाहता है, इसे सबसे पहले फीफा के मुकर्रर करदा मयारात, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंतज़ामी अमूर की ज़रूरियात को पूरा करना पड़ता है। इसके अलावा हर मुमकिन मेज़बान को बिडिंग के एक जामिया अमल से गुजरना पड़ता है। आखिर में एक वोटिंग का अमल होता है और फिर एक तकरीब में मेज़बान मुल्क का ऐलान किया जाता है। आमतौर पर यह प्रोसेस आने वाले वर्ल्ड कप से सालों पहले मुकम्मल कर लिया जाता है। दोस्तों, कतर इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क है जिसे वर्ल्ड कप की मेज़बानी का एजाज़ मिला है, जबकि आबादी के लिहाज से ये मेज़बानी करने वाला सबसे छोटा मुल्क है, क्योंकि इसकी आबादी तकरीबन 30 लाख पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से भी कम होगी। कतर ने इस वर्ल्ड कप के लिए 8 स्टेडियम तैयार किए हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक हैरान कन बात है। गर्मी से बचने के लिए हर स्टेडियम में जदीद तरीन एयर कंडीशन सिस्टम मौजूद है, जिससे टेम्परेचर 27 डिग्री तक रहेगा। और कुछ स्टेडियम्स को इस तरह बनाया गया है कि ये वर्ल्ड कप के बाद रीडिज़ाइन करके किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकें। कतर वर्ल्ड कप के तमाम 8 स्टेडियम्स दारुल हुकूमत दोहा के इर्द गिर्द वाक़े हैं। जदीद तरीन मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इससे मुंसलिक बसेस का एक नेटवर्क शायकीन के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम के जरिए एक से दूसरे स्टेडियम में कम वक्त में पहुंच सकते हैं और एक ही दिन में होने वाले तमाम मैचेस बआसानी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब, दुबई और ओमान ने इस वर्ल्ड कप के शुरका के लिए
एक नया मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीजा भी जारी किया है। इस वीजा के होल्डर्स सऊदी अरब और अमान में 60 दिन जबकि दुबई में 90 दिन तक कयाम कर सकेंगे, क्योंकि इन ममालक में फासला बहुत कम है। दोस्तों, एक अच्छी और खुश आइंद बात यह भी है कि पहले की तरह इस वर्ल्ड कप में भी यूज की जाने वाली ऑफिशियल मैच बॉल पाकिस्तान में तैयार की गई है, जिसको अल रेहला का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है सफर। इसे सियालकोट की एक कंपनी स्पोर्ट्स फॉरवर्ड के जरिए एडिडास ने तैयार किया है। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का एक और अहम किरदार ये भी है कि कतर के गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी में मदद के लिए पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी, जिसके बाद वफाकी काबीना ने कतर को मंजूरी दी थी और पाक फौज के दस्ते, जिनमें अफसरान, जूनियर कमीशनड अफसरान और जवान शामिल हैं, और सिक्योरिटी के लिए कतर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब 20 नवंबर को हुई और इसका फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी फेवरेट टीम ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।